हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, कोल इंडिया लिमिटेड है। तो करंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है कोल इंडिया, क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे आए हैं, डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, उन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पर जो उसके तक आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ट्रेस, कोल इंडिया का जो कंडीशन है ऐसा ही है, डिविडेंड पे आउट कंपनी है तो आपको इतना कुछ मूवमेंट मिलता नहीं है। पर मैं हाँ, जब ये 110 रुपीस के अराउंड था तो मैं चिल्ला के बोल रहा था खरीद लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा डिप है, ऐसी डिप मिलती नहीं है। और उसके बाद जिन लोगों ने भी बाय किया, बहुत लोग, क्योंकि देखिए एक चीज तो क्लियर है कि अच्छी चीज जल्दी लोगों को भाती नहीं। यहाँ पे हम लोग कोल इंडिया को चेक कर रहे हैं और अभी देखिए 133 रुपीस से 126 पे, जब Q2 के नंबर आए थे 126 था, फिर Q3 के नंबर आया 133 रुपीस था। शेयर ऐसा नहीं है कि इसमें मूवमेंट नहीं होती है, इसमें होती है मूवमेंट, शानदार मूवमेंट होती है। प्लस इसमें जो डिविडेंड मिलता है, अब बहुत जो बिगनर्स होते हैं उनको डिविडेंड का खेल समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी कंपनियां जो कि बिगनर के लिए सबसे बेहतरीन है उसको अवॉइड करके दूसरी कंपनियों की तरफ अपना कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं और फिर काफी लॉस करा लेते हैं। उसके बाद मार्केट बोलते हैं एक गैम्बलिंग है, फिर अवॉइड कर देते हैं। चलिए ये हो गई बिगनर्स की बात, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, हमेशा ऐसा ही रहता है। बहुत से लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जिनको गाइडेंस मिल जाता है अच्छा खासा, वो इन शेयरों को पक्का चुनते हैं। तो देखिए बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है। मेन चीज ये है ना आज की जनरेशन में कि सभी लोगों को चाहिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत जल्दी से, तो उस चक्कर में लोग ज्यादा फंसते हैं। देखिए अभी इसी को डिस्कस करते हैं कैसा कोल इंडिया अपना परफॉर्म कर रहा है। तो 147 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, 147 रुपीस 50 पैसे, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया है। अब जो नेक्स्ट अर्निंग के रिजल्ट आने हैं वो अगस्त 17 को है, उसके लिए टाइम है। बेसिक ईपीएस 20.6 है, मार्केट कैपिटल शानदार है, डिविडेंड पे यर्ड जो है बहुत शानदार है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी 7.1 है, तो सब कुछ कंडीशन बेहतरीन है। अब इसमें देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, मैं आप लोगों को कल ही स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंड कर रहा था, आपको जरूर चेक करनी चाहिए वो वीडियो, मैंने बना रखा है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। ये देखिए ये वीडियो है, इसको जरूर चेक करिए, इसके अंदर काफी सारे शेयर आपको मिल जाएंगे जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग वो हुआ जिससे आप हफ्ते पे 2-3 दिन के अंदर जिनसे प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं, तो कोल इंडिया भी उसमें था। अभी हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए काफी अच्छी डिप भी आ रखी है 162 से, और उसके बाद क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट कंप्लीट हो गई होगी तो उसकी वजह से अभी इसी को डिस्कस करते हैं। अभी तक तो रिकॉर्ड डेट एक्सपायरी डेट दिया नहीं और बहुत शानदार जगह पे है, आपको बाई जरूर करना चाहिए। कल ही स्विंग ट्रेडिंग पे मैंने आपको बता दिया था कि इसको जरूर से बाई कर लेना इस लेवल पे। देखिए आज फिर से वही हुआ, आज काफी अच्छी बाइंग आई डिप में, बहुत लोगों ने माल उठाया। अब जो टारगेट यहां से 160 तक का लेके चलेंगे, तो अभी हम लोग इसी के क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे आए हैं जान लेते हैं। तो फाइनेंशियली इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक शेयर है। पिछले 12 महीने में परफॉर्मेंस इसकी इतनी तगड़ी नहीं रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी फैक्ट्रीज जो थी, कोल माइंस थी, वो इतना वर्क नहीं की। बट हाँ, जो नंबर है Q1Q वो फिर भी अच्छा रहा है, 48.7% का प्रॉफिट हुआ है इसको दिसंबर वाले से मार्च वाले में, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। डिविडेंट शानदार है ही, फेस वैल्यू 10 है, स्प्लिट एक बार भी नहीं हुई अभी तक, रिटर्न ऑन एसेट भी 8.15 है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक है, आरओई देखिए कितना ज्यादा शानदार है, 37% का आरओई रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है, कंपनी ऑलरेडी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपकी इसमें अभी भी एंट्री नहीं है तो इसमें जरूर से इन्वेस्टमेंट करिए, आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए इसका हेल्थी डिविडेंड पे आउट 56% डिविडेंड पे आउट है, और क्या चाहिए, आरओई 3 ईयर का देखा जाए तो 53.91% है। तो लॉन्ग बेसिस पे अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो फिर आप किस दुनिया में है, इन्वेस्टमेंट जरूर करिए इसमें। क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें ट्रेस, तो इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है, दिसंबर वाले से इस बार के नंबर और बेहतर है, पर लास्ट ईयर क्योंकि कोई लॉकडाउन या ऐसी समस्या नहीं थी तो नंबर इसके और भी बेहतर थे, फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा टक्कर दिया क्योंकि खुल गया था, इतना कुछ दिक्कत नहीं था। फिर भी इनकी सेलिंग थोड़ी 1000 अराउंड इनकी अप्रॉक्स सेलिंग कम आई है लास्ट ईयर से, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट क्वार्टर से बेहतर,
लास्ट क्वार्टर से हर चीज में बेहतर है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर से देखा जाए तो 100 करोड़ की अराउंड का प्रॉफिट जो है, 100 भी नहीं कहेंगे, उससे कम का ही प्रॉफिट इस बार का थोड़ा कम है पिछली बार लास्ट ईयर से। फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी अभी भी दुरुस्त एकदम तगड़ा बनी हुई है। प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डालें तो यहाँ पे भी प्रॉफिट काफी तगड़ा हुआ है इसको। FY21 में 18,570 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 12,700 का आया है। बाकी कंपाउंड सेल ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसका शानदार रहता ही है, CAGR भी प्लस में हुआ है, बहुत बेहतरीन बात है। पिछले 12 महीने में बस इसकी सेलिंग और प्रॉफिट ग्रोथ इतनी कुछ ज्यादा नहीं हुई, फिर भी इसने कंपनी ने अच्छे नंबर लाए हैं, जिस हिसाब से नंबर दिख रहे हैं 12,700, तो ये बहुत तगड़ी बात है। इसकी बैलेंस शीट पे बात करें तो पहले से रिजर्व सॉरी इंक्रीज किया है कंपनी ने, बहुत अच्छी बात है। पहले से बोरोइंग्स थोड़ी और कम हुई है, ठीक है। लाइबिलिटीज के नंबर थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एसेट भी पहले से बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने पहले से बहुत तगड़ा बढ़ाया है, यहाँ पे आप नंबर चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी काफी अच्छा दिख रहा है, अभी बिजनेस इनका स्मूथली रन कर रहा है। लास्ट लगभग 4 ईयर से इनके में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, ये देखिए नंबर नेगेटिव में आ रहे थे, तो अभी फाइनली ठीक हो गया है। बाकी यहाँ पे डेप्टर डेज देखें तो पहले से थोड़े इंक्रीज हुए हैं, 55 से 88, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से बात करें तो काफी गजब का शेयर आ जाता है। देखिए यही चीज है, मैं आपको हमेशा नोटिस करवाता हूँ कि जो कंपनियां बहुत अच्छा रहती हैं उसमें आपको जो पब्लिक की होल्डिंग्स है वो बहुत कम दिखाई देगी, तो वही इसमें भी है, पब्लिक की होल्डिंग कम है क्योंकि लोगों को चाहिए जल्दी पैसा। यहाँ पे DIs देखिए, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है 21.85% इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, FIs की भी ठीक है, प्रमोटर्स की तो अच्छी खासी है ही, तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चार्ट पे बात करें तो वही आ जाता है, आपको फ्रेश एंट्री ले लेना चाहिए। अभी भी करंट लेवल पे कोई इतना शेयर ऊपर नीचे नहीं हुआ है, यहाँ पे एंट्री लीजिए और काफी अच्छा तगड़ा टारगेट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा जोन है इसका, 140 के अराउंड काफी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को, तो इस वजह से शेयर को, जिसकी वजह से आपको इसमें ग्रोथ जो है ऑलरेडी मिल रही है। जब 160 क्रॉस करेगा तो हम लोग इसके बड़े टारगेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर इसको ब्रेक कर दिया 165 से ऊपर जाती है तो ये बहुत तगड़ा इस यहाँ पे आपको और मूवमेंट दिखाई देगी। अभी कंपनी ने एक डिविडेंड का भी अनाउंस किया था, तो उसको भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ, क्या पता वो किसी से मिस हो गया होगा। तो यहाँ पे कहीं पे डिविडेंड का नहीं लिख रखा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको कोल इंडिया का डिविडेंड का अनाउंस वहां पे कर रखा है, 3.05 रुपीज का किया हुआ है। तो इस तरीके से है, ओवरऑल यही था अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।